लॉकडाउन ने नगर के सभी व्यवसाय को अपने चपेट में ले लिया है। इसमें से एक व्यवसाय है सैलून का, जो पिछले 2 माह से ठप पड़ा हुआ है। हर बार सैलून दुकान ना खुलने के आदेश से दुकानों के शटर तक नहीं खुल पा रहे हैं, जिससे अब सैलून व्यवसायियों का जीना दूभर हो गया है। सैलून का काम करने वाले गोविंद सेन, युवराज सेन, मनोज सेन, ईश्वर सेन, लोकेश सेन, शंकर सेन, मुकेश सेन, संजय सेन, ओम प्रकाश सेन, नारायण सेन, सूरज सेन व आनंद राम दिवाकर ने बताया कि उनके सामने आर्थिक चुनौती की बड़ी समस्या बनी हुई है और परिवार का गुजर बसर कर पाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के मुताबिक नगर में 50 पंजीकृत सैलून दुकानें हैं और अधिकांश सैलून व्यवसाय प्रतिदिन की कमाई पर ही जीवित रहते हैं और इसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन एक के बाद एक लागू हुए लॉकडाउन ने आर्थिक बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया है। वास्तविक स्थिति जानने के लिए रविवार को DNX मीडिया की टीम ने नवापारा के अनेकों सैलून में व्यवसायियों से बातचीत की और उनसे उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाई, जिसमें सैलून व्यवसायियों ने DNX रिपोर्टर को बताया कि पिछले 2 माह से उनकी दुकानें बंद है। सरकार ने पूरी तरह से सैलून और स्पा सेंटर में पाबंदी लगा रखा है, जिससे अब उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। पेट तो भर पा रहा है पर परिवार के अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में वे अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं। सभी व्यवसाय धीरे धीरे छूट के साथ खुलते जा रहे हैं, ऐसे में सैलून व्यवसाय को भी दूसरे जिले की तरह सशर्त अनुमति के साथ खोलने की मांग सैलून व्यवसायियों द्वारा की गई है। साथ ही आर्थिक सहायता की मदद के लिए सरकार से अपील भी की है। नवापारा सैलून संघ के अध्यक्ष गोविंद सेन ने बताया कि सेन समाज के प्रांताध्यक्ष के साथ सैलून संघ द्वारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू को भी समाज की आर्थिक समस्या से अवगत कराते हुए आर्थिक मदद व दुकान खोलने में छूट देने की मांग की है, लेकिन शासन प्रशासन कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना सैलून व्यवसायियों को करना पड़ रहा है। DNX TV के लिए राजिम से विशेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। वर्तमान में जो अभी आप सैलून बंद है, आप सभी का इस संबंध में आपका क्या कहना है? पिछले 2 महीना से दुकान बंद है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया है, दुकान खुल नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो कोई चारा ही नहीं है। सरकार से गुजारिश है भाई, जल्दी हमारा दुकान खुलवाए। बीच में आप सभी लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा था विधायक? ज्ञापन दिए थे, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। विधायक के पास गए थे, विधायक के पास तो उसका अभी जवाब नहीं आया है। ज्ञापन दिए थे उसके। सरकार से आप लोगों की क्या मांग रहे? मांग है कि यही है कि हमारा या तो दुकान खुलवाए या आर्थिक सहायता दे, कुछ दुकान खुलवा दे कम से कम दोपहर तक तो भी अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा लोकेश नाम है, लोकेश सेन। हमारे साथ सैलून संघ के अध्यक्ष गोविंद सेन जी हैं। जी गोविंद सेन जी, बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की अभी? अभी स्थिति बहुत खराब हो चुका है, जो कि दिन बहुत हो गया, 2 महीने करीब करीब हो गया। थोड़ा दिन का तो ठीक है चल रहा था, मगर अब स्थिति बहुत बुरा हो गया है। और हम सैलून वाले रोज कमाने खाने वाले हैं, पूरे यहाँ 50 सैलून है, कम से कम पंजीयन है हमारे सैलून संघ का, जिसमें से सभी रोज कमाने खाने वाले हैं और क्या है, सबको तकलीफ हो रहा है। और हम लोग क्या है, दुकान खोलने के लिए माननीय धर्मेंद्र विधायक जी को ज्ञापन दिए थे और तहसीलदार जो भी दिए हैं ज्ञापन दुकान खोले। हम लोग दुकान हर शर्त में मानने को तैयार हैं, जिस प्रकार दूसरे जिलों में खोल रहा है वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे रायपुर जिले में भी दुकान खोलना चाहिए, जिससे हमारे घर चलाने में थोड़ा सहयोग हो जाए। और क्या बोलते हैं, हमारे कल राजीव रायपुर छत्तीसगढ़ सैलून संघ के माननीय अध्यक्ष विजय सेन जी और माननीय मोना सेन जी गृह मंत्री साम्राज्य साहु से मिलने गए थे, अब ज्ञापन दिए हैं और आवेदन दिए हैं। देखो क्या होता है, अगर हमारा शासन से विनम्र अनुरोध है कि दुकान सैलून दुकान खुलनी चाहिए, जिससे हमारे सैलून भाइयों को परेशानी दूर। जी सेन सर, बताइए क्या तकलीफें हैं?
बहुत तकलीफ हो गई है सैलून दुकान के बंद होने से, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है। 3 महीने से हम लोग का दुकान वगैरह बंद हो गया है, जिससे हमारे जनधन हमारे दुकान वगैरह बंद होने की वजह से घर में बहुत परेशानी हो गई है। आप लोगों ने इस समस्या के निजात दिलाने के लिए शासन प्रशासन से पहले भी गुहार कहीं लगाई है? हाँ, धनेन्द्र साहू के पास, विधायक के पास भी एप्लीकेशन चला गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भी चला गया है। जी, आपका नाम? नीलेश सेन जी। वर्तमान में आप सभी सैलून व्यवसायी जिस समस्या से गुजर रहे हैं, इस संबंध में बताइए। लगभग 2 महीने हो गए दुकान बंद हुए, परिवार का चलाना मुश्किल हो जाते, बहुत तंगी होते। इस संबंध में निजात दिलाने के लिए आपने किसी शासन प्रशासन से गुहार लगाई है? हाँ, मुख्यमंत्री जी लगे बोले रहे दुकान खुलवा दे करके, ये रहे जी। आपका नाम? आनंद राम दिवाकर जी। आप लोगों का जो सैलून व्यवसाय अभी बंद पड़ा है कई महीने से, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं विश्व व्यापक रूप में फैल रही कोरोना की महामारी से पूरे विश्व के कल्याण के लिए मंगल कामना करता हूँ। और उसके बाद यदि आकर के देखा जाए तो विश्व में भारत का और भारत में छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी से जो व्यापक फैला हुआ है उसमें बहुत अच्छा स्थान है। इसलिए मैं केंद्र सरकार के और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोरोना से संबंधित जो भी सलाह मशवरा दिया जा रहा है उसकी सभी को मानने की अनुरोध करता हूँ। और साथ ही साथ सैलून व्यवसायी साथियों से भी चाहूँगा कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें, और इसमें हमारा जो सैलून व्यवसाय बंद है उसमें कहीं ना कहीं शासन के जो दिशा निर्देश है उसका मैं सम्मान करता हूँ और सहमति प्रदान करता हूँ। मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं आप जाकर के देखेंगे कि जब भी लॉकडाउन से संबंधित जो नियमें आती है उसमें खुल करके कहा जाता है कि सैलून और पार्लर का जो काम है वो बंद रहा जाएगा, और हम उसका पूरी ईमानदारी के साथ पालन कर रहे हैं, जिसके चलते हमें आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो सैलून व्यवसाय है उसके पीछे सैलून के अलावा आर्थिक आधार और कुछ नहीं होता, और हम पिछले 21 मार्च के बाद से निरंतर लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने व्यवसाय में पाबंदी लगा कर बैठे हुए हैं। हमारी जो जमा पूंजी थी लगभग समाप्ति के कगार पर है, और आप देखेंगे कि जब जब सरकार का दिशा निर्देश पालन होता है तो बड़े ही कट्टरता के साथ कहा जाता है कि सैलून और पार्लर बंद रहेगा, लेकिन जब इसमें छूट के प्रावधान आते हैं तो वहां पर सैलून का उल्लेख नहीं किया जाता। तो मैं शासन से चाहूंगा कि जिस तरह आप पाबंदी के समय सैलून का उल्लेख करते हैं उसी तरह से सैलून वाले के छूट में भी कुछ न कुछ राहत दिया जाए, और सैलून व्यवसायी सेम समाज जो है वह एक आत्मसम्मानी समाज है। आप इतिहास में जाकर के देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सैलून समाज ने कभी आंदोलन किया हो या कोई विशेष मांग किया हो। हम चाहेंगे कि आप सैलून के कार्य में कुछ छूट दे दें, तो आपके द्वारा जो जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसका हम पालन करेंगे। मैं चाहूंगा कि विशेष पैकेज जो मिल रहे हैं ताकि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको शासन की छूट का लाभ मिले। मगर यदि हमारे व्यवसाय में भी छूट मिलेंगे तो हम आत्मसम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है उसे प्राप्त कर लेंगे। तो शासन से मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आप धीरे धीरे बाकी कार्यों को छूट में ले जा रहे हैं उसी तरह से हमारे सैलून कार्य में भी जितने भी दिशा निर्देश उसका पालन करते हुए छूट दे दें। इन्हीं आशा के साथ मैं केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करता हूँ। जी बताइए क्या कहना है आप लोगों को? विगत 2 महीने से नगर से पूरे देश का सैलून काम व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो, जिसके कारण हमारे सैलून सब भाइयों को बहुत आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी व्यवसाय कुछ न कुछ रूप से आंशिक रूप से खुलने लगे हैं, सिर्फ सैलून व्यवसाय ऐसा है जो पूर्णतः बंद है। और ऐसे में तो पेट की भूख तो शांत हो जा रही है, लेकिन अन्य जरूरतों के लिए हमारे भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और सरकार ने अभी तक इस ओर कोई भी प्रकार से पहल नहीं किया है। कम से कम अनुरोध है मेरा सरकार से कि सैन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हमें भाइयों को। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय उचित नियम कानून जो भी है वर्तमान में उस हिसाब से प्रारंभ करवाएं, और हमारे जो गरीब तबके के भाई हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें। आपका नाम? युवराज सिंह जी। सर, आप लोग का जो सैलून बंद है इस संबंध में आपका क्या कहना है? सैलून बंद होने से काम कर बहुत दिक्कत हो रहा है, रोजी रोटी चलाने में समस्या जा रही है,
क्या है कि हम लोग भी अगर दुकान खुल जाता है तो मतलब रोजी रोटी चलाने में समस्या नहीं होता। अब ऐसे रूम काम करते हैं जो मिल जाता है तो बना लेते हैं, इससे क्या रहा है काम, दुकान तो बंद है। सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे से दुकान खुल जाए तो रोजी रोटी का समस्या समाधान हो जाए। जी आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सेन है।